मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्ले स्टोर की आईडी बना सकते हो। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा, स्टेप बाय स्टेप समझा, तो आपका यहाँ पर अकाउंट आप इस पर बना सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इस पर हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नया अकाउंट बनाना है, इसलिए आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कुछ दो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो आपको यहाँ पर फॉर माई सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने दिखेगा, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम डालना है। जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है, जैसा कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद लास्ट नेम में आपको यहाँ पर सरनेम डालना है, जो आपका लास्ट नेम है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करने वाले हैं। ध्यान से देखना आप इस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर आपको बर्थडे डालना है, जैसा कि आपका आपको बर्थडे का कौन सा मंथ है वो यहाँ पर मंथ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा है अगस्त डे, यानी कि जैसे मेरा है 16 अगस्त, तो मैं यहाँ पर 16 करता हूँ। और ईयर में आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है चूज़ हाउ यू विल साइन इन। आपको यहाँ पर एक जीमेल एड्रेस बनाना होगा अपना। आपको यहाँ पर जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर नेम लिख सकते हो। उसके बाद जो अवेलेबल होगा ये यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर बरौदा भी करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अवेलेबल कितने हैं ये आप देख सकते हो। इतने यहाँ पर अवेलेबल है, गौरव दवे 9082। ठीक है, इन दोनों में से एक किसी को भी आप ईमेल अपनी आईडी यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हो। तो चलिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी एक चूज़ कर लिया है, जो भी वहाँ पर अवेलेबल था वो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। उसके बाद अपना नेम भी यहाँ पर लिख दीजिए। पासवर्ड आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ मेरा नाम। उसके बाद यहाँ पर हम एक यहाँ पर वर्ड डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद वही पासवर्ड दोबारा नीचे डालेंगे, जो ऊपर हमने फिल किया वही यहाँ पर नीचे डालेंगे, सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है, या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर यस आई एम इन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका नाम और ईमेल आईडी जो भी आपने क्रिएट करी है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं नीचे। ये हमारा प्ले स्टोर और जीमेल का अकाउंट और यूट्यूब का, सभी का, गूगल का जो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब प्ले स्टोर से कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो कर लेंगे। आप नीचे यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे। उसके बाद आपका प्ले स्टोर पर अकाउंट बन जाएगा। आप जो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हो वो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, हम कुछ यहाँ पर डाउनलोड करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है। तो अगर पूछे, आप देख सकते हो यहाँ पर प्ले स्टोर पर ओपन कर लिया है हमने। यहाँ पर हम सर्च करेंगे जो भी हमको डाउनलोड करना है। चलिए, यहाँ पर इंस्टॉल वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, पूरा इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। प्लीज़ इस वीडियो को तो लाइक करिएगा ही, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और उस बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अगर आप कोई पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।